गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अभी सुबह के बज चुके हैं, कितने बज रहे हैं? अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं उठ के थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लिया था और अभी मैंने ब्रश व्रश सब कुछ कर लिया है। और रात में क्या, थोड़ा सा एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे पास में ना चार वीडियो थे जिसको मैं एडिटिंग करना था, और दो पार्ट में, और दो वीडियो क्या थे, दो दो पार्ट में बनाना था। इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था। इसलिए जो कल का ब्लॉग था मैंने रात में ही डाल दिया था, और अभी सुबह का मैंने जो कल का ब्लॉग है आज सुबह अपलोडिंग पर डाल दिया। आप देख लीजिएगा, 8 बजे वो आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम चाय पीते हैं, जैसे कि मौसी ने मेरे को चाय ला के दी है, आप देख सकते हो, है ना? ये चाय है, हम चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरी मौसी की बेटी है और अभी ये 7 महीने की हुई है, तो आपको ये कैसी लग रही बताइएगा कमेंट में जरूर। ये कल के ब्लॉग में आज के ब्लॉग में आ जाएगा, तो बताइए कितनी अच्छी लग रही है ये। क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी अभी अभी आई है, 3-4 दिन में जब मैं नागपुर गया हुआ था ना, तो उस टाइम आई है। तब से बोल रही थी, भैया आप कहाँ हो, आ नहीं रहे हो। हेलो गाइस, तो मैं अभी भरोसे तक जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है और कपिल तामी में वेट कर रहा है मेरा, तो मुझे देखना पड़ेगा आज कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए मेरे को। अच्छी बात है, क्योंकि लिफ्ट वगैरह लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी गाड़ी लेके ऑलरेडी जा चुके हैं कहीं और। मम्मी और पापा सुबह सुबह निकल गए थे, तो वो मुझे अभी एक फ्रेंड की गाड़ी मिली है जिसमें मैं लिफ्ट लेके जा रहा हूँ। गाइस, मैं अभी कपिल को मिल गया यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा अर्जेंट वाला काम उनको। हम लोग अभी रोड पे हैं और धूप लग रही थी, इसलिए मैंने ये रुमाल बांधा हुआ चेहरे पे। और मैं और कपिल अभी पराचे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंट मैंने काम आ गया था। मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा काम तामिया पे नहीं होता तो हमको पराचे जाना पड़ेगा, और हम लोग अभी पराचे जा रहे हैं और आधी रास्ते में हैं, कुछ दूरी पे पहुँच जाएंगे। और मुझे तो, मैंने खाना खा के भी नहीं आया घर पर अच्छे पूरी तरीके से, और ये कपिल ने भी नहीं आया है, तो वहाँ से जाके खाना ना खा लेंगे हम लोग, बिरयानी खाएंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। राधे राधे राधे। गाइस, तो हम अभी परासिया पहुँच चुके हैं, और आप जिस पीछे बोर्ड देख सकते हो परासिया का, वेलकम टू परासिया, न्यूटन पहुँचे हम लोग अभी, सॉरी न्यूटन पहुँचे हैं। और ये पीछे मेरा भाई भी मेरे को मिला था अभी, तो वो भी कॉलेज जा रहा है और हम लोग दूसरे काम से जा रहे हैं। गाइस, हम लोग अभी परासिया पहुंच चुके हैं, और ये हम लोग पुल क्रॉस हो रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक पुल पड़ता है छोटा सा, जिसके ऊपर से ट्रेन वगैरह जाती है। आप ट्रेन भी ट्रेन जा रही है, पुल है, मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ। ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, है ना? ऑफिस वाले काम करते नहीं करते देखना पड़ेगा। और बिरयानी खाते सबसे पहले तो क्या, भूख लग गई है, हम लोग खा के नहीं आए घर से, दो रोटी खा के आया था। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप मेरे को देख सकते हो, मैं इधर, हम लोग ट्रैफिक में हैं अभी, अभी ट्रैफिक पूरा क्लियर हो चुका है। अभी ट्रैफिक था तो मैं बना नहीं पाया था, देख सकते हो परासिया में हम लोग यहाँ पे, और परासिया की ये गलियाँ हैं। मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त लोग हैं, लेकिन उन लोग को मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो लोग परेशान कर देते हैं, इसलिए मैं उन लोग को फ़ोन नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अभी ये हम लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको मिलवाऊँगा मेरे फ्रेंड लोग से, अभी क्या काम हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो टाइम हो जाएगा। धूप ऐसी लग रही है, घर भी वापस जाना थोड़ा जल्दी, क्योंकि घर में बहुत काम भी है, है ना? भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको गाड़ी चलाते नहीं बन पा रहा, जब मैं गाड़ी चलाऊँगा तो ब्लॉग बना नहीं पाऊंगा, छिंदवाड़ा में जाके बनाएंगे अपन। हेलो गाइस, तो मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से ब्लॉग, क्योंकि सेल्फी स्टिक मैंने बैग में रख दिया है, कोई स्टैंड नहीं है जो इसमें खड़ा हो सके, इसलिए। तो आप देख सकते हो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। पहुँच चुके और मेरे फ्रेंड है, उनसे उनके घर मिलने के लिए जा रहे हैं हम, उन्होंने हमको लोकेशन सेंड कर दिया व्हाट्सएप में, हम लोग उसके घर जाते हैं, आपको भी मिला। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने माइक लिया है, मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने फ़्लिपकार्ट से मुझे माइक बुलवाना पड़ा, क्योंकि मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा था ना, तो उसमें वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से वॉइस भी नहीं आ पा रही थी। और आप सही, तो माइक में आपको थोड़ी साफ साफ वॉइस आ जाए और अच्छे क्लियर। तो मैं आपके एक बात और बताना चाहूँगा, आज सुबह क्या हुआ था कि मैं नहा रहा था, तो मेरे भाई ने मेरे ऊपर शैम्पू प्रैंक कर दिया है, जो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। आप देखिएगा जरूर शैम्पू प्रैंक आपको कैसा लगा, मेरे भाई ने करा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम कोसमी पहुंचने वाले हैं, जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर बहुत बड़ा। हालांकि हम थोड़ा जल्दी में, इसलिए मंदिर जाएंगे नहीं, यदि फिर कभी आते हैं बीच में तो मंदिर जाएंगे, मंदिर का आपको टूर भी कराऊंगा मैं। तो आप देख सकते हो इधर थोड़ा सा, ये मंदिर, ये कोसमी का मंदिर है, देखा आपको, चलो अच्छी बात है, दिखा होगा तो है ना। हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं घर में, मौसी बस अकेली है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी हैं मौसी के छोटे छोटे, और मम्मी पापा थोड़े से काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है बाहर।
और कपिल भाई को भी थोड़ा सा काम है तो इसलिए हम लोग नहीं रुक पा रहे हैं, और नेक्स्ट बार हम लोग आएंगे ना तो ज़रूर आपको दिखाएंगे कोसमी मंदिर। फ्रेंड्स अभी हम परासिया पहुँच चुके हैं और यहाँ से कॉलेज जाता है हमारा, हालांकि हम लोग भी कॉलेज से वापस आ चुके हैं क्योंकि कॉलेज में भी हम लोग को काम नहीं हुआ क्योंकि भाई को उनकी TC लेना था, उनको TC नहीं मिल पाई, थोड़ा बोले बाद में आना तो आप अभी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है उसके बाद ही मिलता है तो अभी टाइम लग जाएगा बोले, तो हम आएंगे कुछ दिन बाद में। अभी हम लोग परासिया जाते हैं और पानी प्यास लग गई है, पानी की बॉटल लेना पड़ेगा एक ठंडी वाली क्योंकि गर्मी को टाइम है ना पूरा हॉट और जीप पूरी सूख जाती है, और ब्लॉगिंग करते हैं तो हर टाइम आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, इसलिए क्या मेरा भी गला सूख गया है तो पानी की बॉटल ले लेते हैं हम लोग। वैसे हम लोग पानी की बॉटल ले ली है, जैसे कि मेरे बैग में देख सकते हो पानी की बॉटल रखी है, और ये वही दुकान है जब हम पानी की बॉटल जहाँ से लेके गए थे, और पानी पीने का थोड़ा अच्छा लग रहा है और भाई की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई है। फ्रेंड्स मैं अपने लिए बेल्ट देख रहा था क्योंकि मेरा पैंट थोड़ा सा ढीला हो रहा था, तो बेल्ट देखा तो वो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसको ख़रीदा नहीं। मुझे चाहिए था क्या थोड़ा सा अच्छा था जो बहुत टाइम तक चल जाए, क्योंकि ले लेते हैं ना फिर बीच में से टूट जाता है, इसलिए मैं उसको लिया नहीं। अब देखते हैं और कोई दूसरी दुकान में अपने को जहाँ से बेल्ट मिल जाए। मैं क्या दुकान पर ब्लॉग कर सकते, लेकिन वो दुकान वाले मना कर देते इसलिए हम ब्लॉग नहीं बनाते वहाँ पर। मैं एक शोरूम वाला मिला था, उसने मेरा बोला था बनाने के लिए, इसलिए उन्हें भी अंदर नहीं आने दिया था, सिर्फ बाहर से बनाने दिया था। आपने मेरे ब्लॉग में देखे होंगे जब नागपुर से वापस आ रहा था अपने घर। ये परासिया का तिकड्डा है जिसमें एक तामिया की रोड है, एक छिंदवाड़ा की रोड है और एक इधर जामी की रोड है। तो हम अभी तिकड्डे में और अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सामने बस है जैसे कि आप देख सकते हो इधर बस है ना, और हम लोग ये हैं बस। ऐसे अभी पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया है, हमको तामिया पहुँचने में शायद ऐसा ना हो धक्का देना पड़े, इसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं क्या। हेलो गाइस, हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं अभी और पेट्रोल डलवा रहे हैं हम लोग, इधर भैया देख सकते हो जो पेट्रोल डालने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस हम लोग अभी रास्ते में हैं परासिया से, ये लैगड़गो का घाट चढ़ रहे हैं हम लोग, अभी जंगल में हैं। आप देखो जंगल का जो व्यू बना कितना प्यारा लग रहा है, वैसे भी गर्मी का मौसम है तो कुछ कुछ पेड़ में जो हरी पत्ती आई है ना वो कितनी अच्छी लग रही है, अब मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि गर्मी के माहौल में ऐसा माहौल मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है। हालाँकि मैं नागपुर गया हुआ था ना तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती क्योंकि सब तरह बिल्डिंग है, पेड़ पौधे वहाँ पर है नहीं, तो इसलिए गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती। जैसे वहाँ पर घर से बाहर निकलो तो इतना गरम फेंकता है ना क्या बताओ, वहाँ पे आप रोड में अच्छी तरह से चल नहीं सकते। तो हम लोग जब उसके भाई के साथ में, गणेश भाई के साथ में बाहर गए थे थोड़ा गांव तरफ घूमने के लिए, तो उधर जंगल एरिया था तो पेड़ पौधे थे, उधर मेरे को अच्छा लगा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम हमारे इलाके में आ गए। हेलो गाइस, हम लोग लैगड़गो पहुँच चुके हैं और क्या हुआ कपिल? हेलो गाइस, हम अभी रोड में रुके हैं क्योंकि ये थोड़ी गाड़ी गर्म हो गई थी, उसको 5 मिनट थोड़ा रेस्ट दे देते हैं क्योंकि हम लोग छिंदवाड़ा से जो निकले हैं तो सिर्फ परासिया में रुका था 1 मिनट के लिए क्योंकि पानी की बॉटल ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोग रुके थे, उसके बाद हम रुके नहीं हैं। तबे ठीक है, अब गाड़ी चला लेगा ना? उसकी हालत फिर से ख़राब हो गई, उसको गाड़ी चलाते हुए अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो धूप में ना बहुत कम चलता है, इसलिए उसे गाड़ी धूप में ज़्यादा चला नहीं पाता है क्योंकि उसको धूप से थोड़ी एलर्जी है, उसको लू जल्दी लग जाती है, इसलिए उसको मना करता हूँ इधर मत आया कर, लेकिन फिर भी आ जाता है पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स मैं अभी तामिया आ चुका हूँ और यहाँ मैं मामा जी दुकान पर बैठा हूँ, मैं वहाँ से छिंदवाड़ा से यहाँ तक आने में मेरी हालत ख़राब हुई, पता है क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी लपट लग रही थी, हालांकि जंगल में आए थे ना वहाँ पर तो थोड़ा बेटर लगा था, और यहाँ पर मामा जी दुकान पे आ गए, पंखा चल रहा है तो थोड़ा तो ठीक लग रहा है, रास्ते में हम लोग आइसक्रीम वगैरह भी खा लिए थे तो अच्छा लगा। कपिल की आदत आधी रास्ते में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको आधी रास्ते से परासिया का ब्लॉग और गांगीवाड़ा का ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने गाड़ी ड्राइव करके लेके आया था, और अभी मैंने तामिया तक भी मैंने लेके आया है इसलिए आपको बता नहीं पाया मैं, तो उसके लिए सॉरी। अभी तामिया में हूँ और ये हमारी मामा जी की दुकान है, ये मेरे मामा जी हैं यहाँ पे एम पी ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, यदि आपको किसी भी चीज़ का एम पी ऑनलाइन का जानकारी चाहिए या आपको काम करवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और ये इनका नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप चाहो तो ये नंबर देख सकते हो। आप सभी प्रकार काम करते हैं मामा जी ऑनलाइन के? ऑल टोटल ऑनलाइन के सभी फॉर्म से रिलेटेड जो भी सारे काम। सो गाइस अब मैं घर जाने लगा हूँ, मेरे को एक्चुअली पैदल पैदल जाना पड़ेगा, मतलब कुछ दूर तक जाऊंगा, फिर मेरे को आगे से थोड़ी गाड़ियाँ मिल जाएगी क्योंकि कपिल को उनकी दीदी के साथ जाना था, वो लेट हो रहा था इसलिए वो लोग चले। कपिल का जो घर है वो थोड़ा दूर है और मेरा घर यहाँ से पास में 5 किलोमीटर, यहाँ से ऑटो वगैरह या गाड़ी वगैरह कोई भी मैं लिफ्ट लेके चला जाऊँगा, तो मैं देखता हूँ कोई लिफ्ट वगैरह मिलती है नहीं मिलती मेरे को, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा गाड़ी वाड़ी का। और वैसे ही गर्मी बहुत लग रही है, पानी प्यास भी लग गई मेरे को क्योंकि अभी मैंने लिया था ना बॉटल तो वो ख़त्म हो चुकी है, फिर से बॉटल लेना पड़ेगा,
एक चाचा की दुकान है उनके पास चले जाता हूँ, उनके शायद वहाँ पे फ्रिज रखा होगा तो पानी मिल जाएगा पीने के लिए। ऐसे एक बार आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब मैंने ये माइक लेके वीडियो बना रहा हूँ तो आपको वॉइस कैसी आ रही है। पहले मैं क्या माइक नहीं था मेरे पास में, तो मैं डायरेक्ट कैमरे से ही वीडियो बनाता था, तो उसमें वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो अब बताइएगा आप कैसी आपको वॉइस आ रही है और नहीं आ रही है। तो सीरीज आपको दो पार्ट में मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए आपको दो पार्ट में मिलेगा। आई थिंक ये 25 से आधे घंटे का हो रहा था, तो मैं एक साथ ही वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा खर्च कर रहा था। इसलिए मैं आपके इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊँगा, एक आपको अभी मिल जाएगा और एक आपको शाम तक मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी देने की। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और आपका स्वागत है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़।